Welcome to Imbibe Chief Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very, very important session of weekly current affairs once again. चलिए भाई सब के सब live आ जाइए warriors. आज हम करेंगे जून के सेकेंड वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स जो आपके डिफेंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, CDS, NDA, AFCAT एंड CAPF. साथ ही साथ जो है warriors, we'll be covering the important questions as well. जल्दी भाई सबके सब एक बार लाइव आ जाइए. जितने लोग पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जितने भी आप टेलीग्राम चैनल्स में जुड़े हो वहां जाके जो है जरूर शेयर करिए. वहां से जो डिफेंस एस्पिरेंट्स है वो हमारे साथ जरूर जुड़ सकते हैं. चलिए भाई जल्दी जल्दी वॉरियर्स आ जाइए. क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी. स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिकली आपका CDS 2024 और CAPF का अचीवर यूट्यूब सीरीज स्टार्ट हो चुका है. सिमिलरली NDA का भी बैच आपका स्टार्ट हो चुका है. 18 जून से स्टार्ट होने वाला है बेसिकली. तो इसको आप जो है रेगुलर बेसिस पे लगा सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे. उसके अलावा जिन्होंने अभी तक Imbibe Simple को वॉरियर्स सब्सक्राइब नहीं किया है, Imbibe Simple को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए. 3 दिन का आपको अनलिमिटेड ट्रायल मिलता है, और जितनी भी एप्लीकेशंस है आपको जैसे ही आप एक बार सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस जो है हर चीज का मिल जाता है. Imbibe Learn है, डाउट रेजोल्यूशन आपका हर डाउट का जो है आपको 24/7 जब भी आप पूछेंगे आपको उसका आंसर मिलेगा. Imbibe लाइव क्लासेस का आपके पास एक्सेस होता है. आप अपनी एक अजीब जर्नी क्रिएट कर सकते हैं. प्रैक्टिस टेस्ट, एन नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, इंटरैक्टिव कूबो, हर चीज जो है आप लोगों के लिए वहां पे अवेलेबल रहती है. तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब करिए. ये जो है आप लोगों के लिए प्लान्स है जो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं. 599 पर मंथ, 499 पर मंथ पड़ेगा जब आप एक साल की सब्सक्रिप्शन लेंगे. 3 महीने की आपको 599 पर मंथ में पड़ेगी, और 1 महीने का अगर आप लेना चाहते तो 699 पर मंथ पड़ेगा. सबसे बेस्ट प्लान जो है वॉरियर्स आप लोगों के लिए रहेगा 499 पर मंथ. एक तरीके से मंथली रिचार्ज की तरह है, जिसमें आपको हर चीज एक ही बारे में सब कुछ मिल जाएगी. चलिए भाई जल्दी जल्दी आ जाइए वॉरियर्स, स्टार्ट करेंगे. साथ ही साथ आप लोग जो है Imbibe Simple में जो है बेसिकली अपने MBM कॉइन से जो है डिस्काउंट भी पा सकते हैं. अप टू 20% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वॉरियर्स ये है, 17 जून तक जो है आप लोगों के लिए कोड जो है चल रहा है, दैट इज Donor25. वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के तहत आप लोगों को हर एनुअल कोर्स में जो है 25% का जो है आपको डिस्काउंट मिलेगा. तो इसको आप जरूर लगाइए. Fuel your veins with knowledge at Imbibe. इसको आपको ध्यान रखना है. चलिए भाई क्लास स्टार्ट करते हैं वॉरियर्स. जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक जस्ट अ सेकेंड. हाँ जी, चलो भाई सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस. जो हेडलाइंस आपके सामने है आज की क्लास की, दैट इज फर्स्ट हेडलाइन इज लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नेम्ड न्यू आर्मी चीफ. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूज, ये आपके एग्जाम में आने की संभावना है, ध्यान रखना है आपको. सेकेंड न्यूज रहने वाली है, असम लॉन्चेस स्कीम टू बूस्ट गर्ल्स एजुकेशन, कर्ब चाइल्ड मैरिज. इसको हम डिटेल में देखेंगे. आर्मी लॉन्चेस इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम, जिसका नाम है विद्युत रक्षक. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज ये आज के सेशन में रहने वाली है. इंडियन नेवी गेट्स इट्स फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. रशिया एंड बेलारूस कंडक्ट टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ड्रिल्स अमिड टेंशन विद वेस्ट. अजीत डोवाल रीअपॉइंटेड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. पीके मिश्रा अ फॉर्मर IAS ऑफिसर विल रिमेन PM मोदीज प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. चलिए भाई पहली न्यूज वॉरियर्स आप लोगों के सामने है, तो लेफ्टिनेंट जनरल, जस्ट अ सेकेंड.
चलिए तो ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नेम्ड न्यू आर्मी चीफ। न्यू आर्मी चीफ का जो है अब अनाउंसमेंट हो चुकी है, 30 जून को जो है ये अपना ऑफिस टेक ओवर बेसिकली कर लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी विल टेक ओवर एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑन जून 30। In his career of over 39 years, he has served as Northern Army Commander and Director General, Infantry amongst other appointments. Lieutenant General Upendra Dwivedi was born in 1964. Yeah, basic information, not that much important. Having studied at Sainik School, Rewa, National Defence College and US Army War College, Lieutenant General Upendra Dwivedi has also undergone courses at DSSC Wellington and Army War College, Mau. He was conferred Distinguished Fellow in coveted NDC equivalent course at US Army War College in Carlisle. ये additional information है, not that much important, बस आपको ध्यान में क्या रखना है, Lieutenant General उपेंद्र द्विवेदी जो है next Chief of Army Staff रहेंगे। चलिए next news देखते हैं, Assam launches scheme to boost girl education and curb child marriage। Exam में कैसे पूछा जा सकता है, किस राज्य ने या किस स्टेट ने, which of the following state has recently launched a scheme to boost girls child education and curb child marriage? Assam आपको ध्यान में रखना है। Assam government led by Chief Minister Himanta Biswa Sarma started the Mukhya Mantri Nijut Moina, that is MMNN plan on June 12, 2024. This was a big step to help girls go to school and stop them from getting married at young age. Through a structured financial aid scheme, this project aims to give female students more power. The Assam government has allocated 1500 crore over 5 years for the MMNM scheme and initial budget of 300 crore for the first year. ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगली न्यूज देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के सेशन में, आपको प्लीज ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। आर्मी लॉन्चेस इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसका नाम है विद्युत रक्षक। अ टेक बेस्ड इनोवेशन एंड इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडियन आर्मी वाज लॉन्च्ड ऑन 5 जून। इसका नाम है विद्युत रक्षक। इसको डेवलप किया गया है आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने और इसको लॉन्च किया गया है आर्मी के वाइस चीफ द्वारा, दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा इनको लॉन्च किया गया है। विद्युत रक्षक क्या है, इज एन इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल्ड इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम, दैट इज द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज ए नेटवर्क ऑफ इंटर रिलेटेड डिवाइसेस दैट कनेक्ट्स एंड एक्सचेंज डेटा विद अदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस एंड द क्लाउड। तो बेसिकली क्या है, IoT के साथ जो है अपना डेटा एक्सचेंज कर लेता है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा यूजफुल भी है भारतीय सेना के लिए। द इनोवेशन इज एप्लीकेबल ऑन ऑल एग्जिस्टिंग जनरेटर्स हेल्ड विद इंडियन आर्मी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टाइप मेक रेटिंग एंड विंटेज। अपार्ट फ्रॉम मॉनिटरिंग जनरेटर पैरामीटर्स इट एनेबल फॉल्ट प्रिडिक्शन एंड प्रिवेंशन एंड ऑटोमेट्स मैनुअल ऑपरेशन थ्रू अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस सेविंग मैन पावर। तो इससे क्या है, मैन पावर का भी काफी ज्यादा बचाव होगा। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स, नेक्स्ट न्यूज इज इंडियन नेवी गेट्स इट्स फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है भाई। इंडियन नेवी ने जो है बेसिकली आपको ध्यान रखने की जरूरत है, इंडियन नेवी गेट्स इट्स फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव बिकेम द इंडियन नेवीज फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट During a passing out parade held in Naval Air Station INS Rajali at Arakonam in Ranipet district, a total of 21 officers were awarded the prestigious Golden Wings by Vice Admiral Rajesh Pendharkar, Flag Officer Commanding in Chief, Eastern Naval Command. A passing out parade was held on June 7 to mark the graduation of 102nd Helicopter Conversion Course. तो ये basic information है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है कि सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव जी जो है इंडियन नेवी की फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट जो है बन चुकी है। ये पॉइंट सिर्फ आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन नेवी फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका बी राजीव, और इन्होंने बेसिकली बनाया है दैट इज राजेश पंधेरकर, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
इसरो प्रोवाइड्स, ये आपको ध्यान रखना है, इसरो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन इंडो फ्रेंच तृष्णा प्रोजेक्ट, तो इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। तृष्णा की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। थर्मल इंफ्रा रेड इमेजिंग सेटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, इसका बेसिक मोटो क्या रहेगा ये भी आपको ध्यान रखना है। स्पेस एजेंसी जो हमारी इसरो है, उन्होंने अनाउंसमेंट करा है एक इंडो फ्रेंच इंफ्रारेड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन का, जिसका नाम है तृष्णा। ये भी पूछा जा सकता है किस कंट्री के साथ भारत ने किया है, तो लॉन्च करने का फैसला किया है फ्रांस के साथ किया है। तृष्णा बेसिकली है क्या, एक हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट सैटेलाइट है जो कि मॉनिटर करेगी सरफेस टेम्परेचर एंड वाटर को अराउंड दी वर्ल्ड। इसरो ऑल्सो सेड दैट तृष्णा मिशन विल एड्रेस क्रूशियल वाटर एंड फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस फोकसिंग ऑन एंथ्रोपोजेनिक एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसको भी बेसिकली उन्होंने बोला है कि इसको जो है टारगेट अच्छे से किया जाएगा। तो ये न्यूज़ भाई साइंस एंड टेक की है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, आपको ध्यान में रखनी है ये न्यूज़। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, इंटरनेशनल कैटेगरी की न्यूज़ है। रशिया एंड बेलारूस कंडक्ट टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ड्रिल अमिड टेंशंस विद द वेस्ट। आ सकता है आपके एग्जाम में कि रिसेंटली एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ड्रिल जो है किन किन देशों के बीच में हुई है। रशिया एंड बेलारूस जो है आपको ध्यान में रखना है, सही आंसर होगा। दे हैव कमेंस्ड द सेकंड स्टेज ऑफ जॉइंट ड्रिल फोकस्ड ऑन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन एम्ड एट बोल्स्टरिंग रेडीनेस एंड डिटेरिंग वेस्टर्न सपोर्ट फॉर यूक्रेन। दीज एक्सरसाइजेस इनिशिएटेड बाय मॉस्को इन रिस्पॉन्स टू परसीव्ड प्रोवोकेशन फ्रॉम अ वेस्टर्न ऑफिशियल अंडरलाइंस द क्रेमलिन स्ट्रेटेजिक stands amid heightened tension. ये additional information you just need to remember कि किन international countries ने recently जो है tactical nuclear weapon drills conduct करी है। Russia and Belarus ने जो है ये drills recently conduct करी है, ये आपको ध्यान में रखना है। Kremlin spokesperson Dmitry Peskov highlighted the tense European security environment, emphasizing the drills as a response to hostile decision and provocations by the Western powers. Putin's recent declaration challenging assumption about Russia's nuclear policy further emphasized the seriousness with the Moscow views in defensive capabilities. तो ये जो है उनका एक तरीके से declaration जो है पुतिन ने जो recent declaration करी है, जिन्होंने directly challenge किया है Russia की about the Russia's nuclear policy कि उसकी सीरियसनेस जो है उनके लिए बहुत ज्यादा है और अपने डिफेंसिव कैपेबिलिटीज में कॉम्प्रोमाइज रशिया नहीं करेगा, वेस्ट के आगे जो है रशिया बिल्कुल भी झुकेगा नहीं एक तरीके से, ये आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए जो है रिसेंटली क्या कर रहे हैं, वो न्यूक्लियर वॉर ड्रिल्स कंडक्ट कर रहे हैं जो कि अभी उन्होंने करी थी बेलारूस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स नेक्स्ट न्यूज की तरफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क करिएगा, नोट डाउन करिएगा। अजीत डोवाल जी जो है उनको रीअपॉइंट कर दिया गया है एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, पहले भी रह चुके हैं, गवर्नमेंट दोबारा से बनी है तो इनको रीअपॉइंट किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है। द सेंटर ऑन जून 13 रीअपॉइंटेड फॉर्मर IPS ऑफिसर अजीत डोवाल एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इज अपॉइंटमेंट विल बी कोटर्मिनस विद द पावर ऑफ with the term of Prime Minister Narendra Modi or until further orders. Ajit Doval, born on 20th May 1945, is an informal spy master and current National Security Advisor of India. He was Intelligence Bureau Chief and former Indian Police Service Officer from Kerala. Cadre se jo hai ye pass out hai. Next news dekhenge warriors. P.K. Mishra, a former IAS officer, will remain PM Modi's principal secretary. अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है सबको। पीके मिश्रा जी जो है एक फॉर्मर IAS ऑफिसर है जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहेंगे। फॉर्मर IAS ऑफिसर पीके मिश्रा हैज बीन रीअपॉइंटेड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये चीजें आपको कुछ ध्यान रखनी है कि जो सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें हैं उनको रीअपॉइंट किया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी जो है प्राइम मिनिस्टर जी के जो है वो पीके मिश्रा जी रहेंगे और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी जो है अजीत डोवाल जी रहेंगे। द अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी Appointment Committee of the Cabinet has approved the appointment of Dr. P.K. Mishra, IAS retired, as Principal Secretary to Prime Minister with effect from June 10, 2024. His appointment will be coterminous with the term of Prime Minister or until further orders, whichever is earlier. So, agle orders tak jo hai basically ab yahi
प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहेंगे। चलिए भाई, अब आते हैं, आपका नॉलेज टेस्ट करते हैं, जो आपने क्लास लगाई है आपको कितनी चीजें याद है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया इफेक्टिव फ्रॉम जून 30। चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। शाबाश, बिल्कुल सही आंसर है, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी इज एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स। Which project developed by the Indian Army is an Internet of Things enabled integrated generator monitoring protection and control system? बहुत important है, ध्यान रखना है आपको क्या सही answer होगा इसका। त्रिष्णा, विद्युत रक्षक, INS रजाली या फिर अजीत दोवार। चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। शाबाश, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। बिल्कुल सही है, विद्युत रक्षक इसका नाम है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वॉरियर्स। हु बिकेम द इंडियन नेवी फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनामिका बी, राजीव, अजीत दोवाल या फिर उपेंद्र द्विवेदी। लास्ट ऑप्शन इज राजेश पेंधरकर। हाँ जी, चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा वॉरियर्स। अनामिका बी राजीव, बिल्कुल सही आंसर है, एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडो फ्रेंच त्रिष्णा प्रोजेक्ट अनाउंस्ड बाय इसरो? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। टू कंडक्ट टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ड्रिल्स, टू रीअपॉइंट अजीत दोवाल एज NSA, टू मॉनिटर सरफेस टेम्परेचर एंड वाटर मैनेजमेंट, टू अपॉइंट अ न्यू आर्मी चीफ। त्रिष्णा का जो है आपको बताना है क्या मेन मकसद रहेगा जो इसरो फ्रांस के साथ मिलकर लॉन्च करेगा, त्रिष्णा है क्या बेसिकली। चलिए शाबाश, हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है, टू मॉनिटर टेम्परेचर एंड वाटर मैनेजमेंट। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स आज के सेशन का। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? अजीत दोवाल, पीके मिश्रा, वकर उज जमन या फिर राजेश पंधरकर। हाँ जी, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका, वेरी गुड। Absolutely correct answer, डॉक्टर पी के मिश्रा जो है, बिल्कुल सही आंसर है। तो वॉरियर्स, ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रिवाइज जरूर करिए, बिकॉज डिफेंस रिलेटेड अपॉइंटमेंट, साइंस एंड टेक रिलेटेड, नेशनल इंपॉर्टेंस रिलेटेड न्यूज जो है हमने कवर करी है, और रेगुलर बेसिस पे आपका वीकली करंट अफेयर्स होता रहता है। पुरानी क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, उनके भी आप रेगुलर क्लासेस लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। CDS का एग्जाम पास है, NDA का भी एग्जाम पास है, उसके साथ साथ FCAT एंड CAPF भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स आप लोगों के लिए होने वाले हैं। तो रेगुलरली करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए, जो क्लासेस में हो रहा है वो आपके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है। जिन्होंने MBIBE की एप्लीकेशन और MBIBE लेंस अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जो है डाउनलोड कर सकते हैं। AI बेस्ड लर्निंग के लिए, 3D लर्निंग, वीडियो मैप टू योर कोर्सेज, बुक, हर चीज जो है आप लोगों के लिए वहां पे अवेलेबल है वॉरियर्स। उसके अलावा जो है आप लोग ट्राई कर सकते हैं MBIBE सिंपल
जिसमें कि बेसिकली बहुत यूजफुल आप लोगों के लिए रहता है ये। जैसे आप हमारी AR एप्स यूज करते हैं तो आपको 150 MBM कॉइन्स मिलेंगे, आप लाइव क्लासेस लगाते हैं तो आपको 1250 MBM कॉइन्स मिलेंगे। जितनी ज़्यादा आप लाइव क्लासेस लगाएंगे, जितनी ज़्यादा हमारे फीचर्स आप इस्तेमाल करेंगे, डाउट रेजोल्यूशन फीचर इस्तेमाल करेंगे, उतने ज़्यादा आप MBM कॉइन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको उसका एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। वॉरियर्स टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। M5 अचीव डिफेंस एग्जाम जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसके साथ साथ व्हाट्सएप पे भी आप 24 आवर्स जो है डाउट असिस्टेंस आपको मिलता है, तो आप वहां पे जाके भी जो है डाउट्स हमेशा पूछ सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लास। वॉरियर्स डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन विद अस। टिल देन गुड बाय, टेक केयर वॉरियर। Keep imbibing. We believe in you.